students, we are again back with this chapter, that is organization of commerce, chapter number 3, and this one is the part number 3. Okay students, in my videos I have already done the part number 1 and the part number 2, which you can see in my video link. Okay, and here it is the part number 3 of this chapter number 3. Okay students, I am having an account on the Instagram also, so you can follow me on Instagram by the name CA Yogesh Daga, that too in a small letter, for getting the regular updates over there also. So students, we are starting with this topic. In the last class, we have end up with this topic, that is what are the various plans made by the management. And now we are going to start with what are the various plans. So here on the screen, which you can see, the first one, the types of planning. The first one is your standing plan. Okay, so what do you mean by standing plan? Students, generally there are some situation in the business which are in repetitive form, जो कि आप लोग की बार बार repeat होती रहती है. तो आप लोग का business organization के अंदर क्या हो सकता है, इस तरह के repetitive situation के लिए पहले से एक planning कर दीजिए, ताकि बार बार उसके बारे में सोचना ना पड़े. वही आप जो plan decide किया, वही बार बार आप लोग को इसी तरह से जवाब देना है जो कुछ भी होता है. जैसे कि एक किराना का शॉप है, ग्रोसरी शॉप, उस ग्रोसरी शॉप के अंदर उसको जो भी अगर ओनर है उसका बेटा अगर उस वहां पर आ जाता है और उस बेटे को बताया भाई कि ये वाली चीज का कोई भी पूछे तो बोल देना 20 रुपीज है, ये वाली चीज का अगर कोई पूछे तो इसका बोल देना 50 रुपए, ये वाली चीज का पूछे तो इसका बोल देना 80 रुपीज है, मतलब पहले से ही आपको बताया हुआ है. तो इस तरह की चीज के अंदर क्या है, आपको बार बार किसी बॉस को या किसी को पूछने की जरूरत नहीं. रिपीटेटिव सिचुएशन में बार बार सब लोग वही तरह की चीज परचेस करते हैं, तो उस तरह के जो प्लान बनते हैं, that are known as standing plan. तो हम देखते हैं इसके standing plan का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, represent the guidelines for making decision in case of repetitive situation. Hence can be used repeatedly. तो आप लोग का ये क्या है, ये आप लोगों का प्लान जो है स्टैंडिंग प्लान, वो रिपीटेटिव सिचुएशन के लिए बना हुआ है और उसको हम लोग बार बार वैसा का वैसा यूज भी कर सकते हैं. Whereas repetition of activities and policies are decided from prompt action. तो आप लोग पहले से क्यों repetition of activities का पहले से decide कर लेते हो, ताकि अगर कुछ भी होगा तो आपको boss को पूछने की जरूरत नहीं है, आप prompt decision लोगे, फटाफट उस चीज का decision ले लोगे, ताकि जो भी customer आया है वो आपके हाथ से जाए ना. अगर मेरे पास grocery shop में आया और मैं एकदम new बनता हूँ और मुझे कुछ customer कोई चीज के लिए बोले, तो मैं बार बार ओनर को कहूंगा ये वाली चीज का प्राइस कितना है, वो वाली चीज का प्राइस कितना है. तो इतने टाइम पीरियड के अंदर आपका कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो बिना लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चला जाए. तो इसलिए आपके रिपीटेटिव सिचुएशन के अंदर स्टैंडिंग प्लान्स बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी तरह की एक्टिविटीज होगी आप प्रॉम्प्ट एक्शन ले लोगे, फटाफट उस चीज के लिए एक्शन ले लोगे. तो इन सबको हम लोग स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं. पॉलिसी मेथड्स एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ प्लानिंग प्रोसेस. तो भले ही आपके रिपीटेटिव सिचुएशन के लिए एक्शन लेना है, बाकी जो भी पॉलिसी मेथड्स और रूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशंस चलना चाहिए, वो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ताकि वो तो सब जन के लिए अप्लाई हो. तो ये तो लाइन के अंदर इतना ज्यादा इश्यू नहीं है. एंड लास्ट लाइन लिखा हुआ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्प द सबऑर्डिनेट टू टेक द प्रॉम्प्ट डिसीजन रिगार्डिंग रिपीटेटिव मैटर्स. द स्टैंडिंग प्लान्स क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है. No permission of superior needed if this plan setup. तो जब इस तरह का प्लान सेटअप हो जाता है तो सुपीरियर से बार बार, बॉस से आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है. Okay students, so आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जितना भी जो कुछ भी किया है हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी जो कुछ भी किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सब मैंने आप लोग की बुक के अंदर पैराग्राफिक फॉर्म के अंदर है, और मैंने इसी चीज को आप लोग के पॉइंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड दैट टू वेरी इजी बेसिस पे सब कुछ कर दिया है. तो आई होप सो कि आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इसको पढ़ते समय. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्लान, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक प्लान. ओके, सो स्ट्रेटेजिक प्लान के ऊपर बात करते हैं. व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक प्लान, आप लोगों ने देखा अगर कोई टारगेट को अचीव करना है तो आपको पहले से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. आपने अगर कोई टारगेट का सोचा है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए पहले से आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी तरह की प्लानिंग करोगे, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. सही बात है. तो देखते हैं इसका कंटेंट क्या लिखा हुआ है. बिजनेस यूनिट डिसाइड्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स फॉर अचीविंग द बिजनेस प्लान्स, सो दैट बिजनेस फंक्शंस थ्रू आउट इट्स लाइफ, इट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव. सही है. अगर आपका बिजनेस सालों साल जैसा है वही अच्छी तरीके से चलता रहे, तो आप उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो.
वो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, कोई भी तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फिर उन सबको हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। सीधी सी बात है कि बिजनेस यूनिट को कभी भी कोई टारगेट अचीव करना है तो पहले से डिसाइड करना है मुझे क्या करना है इस साल में, वो आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और या फिर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, उनको सबको बिजनेस ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। बट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइडेड, तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि आफ्टर कंसिडरिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि ये सब तरह की स्ट्रेटेजी कब बनाई जाती है, जब हम बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, बिजनेस की ऐसी क्या चीज है जो बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट है और कौन सी चीज जो बिजनेस के लिए माइनस पॉइंट है, वो सबको स्टडी करने के बाद में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ना कोई क्रेडिटर्स है, ओके, आपने जिससे आप लोग के खुद के जो कॉम्पिटिटर्स है, सॉरी, तो कॉम्पिटिटर्स आपके जैसा ही बिजनेस कर रहे होंगे, तो आपको कुछ उससे हटकर कुछ ना कुछ काम करना है, तो उसके लिए कुछ हटकर कुछ काम करना है तो कुछ डिसाइड जो करते हो, दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। मुझे कोई भी तरह की चीज अचीव करने के लिए कौन सा वे अपनाना पड़ेगा ताकि मेरा भी मार्केट के अंदर उस कॉम्पिटिटर से भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोरकास्टिंग एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दिस प्लान। तो आप लोग जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे तो उसके लिए फोरकास्टिंग और एक्सपीरियंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजीज आर सीन इन द लॉन्ग टर्म। आप लोग सोचते हो जो भी तरह की चीज डिसाइड की है उसका फायदा हमें आज का आज मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो स्ट्रेटेजीज है उसका फायदा आप लोग को लॉन्ग टर्म में ही मिलने वाला है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ प्लान है, जो कि बोलता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोई टारगेट अचीव करना है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो तरह की स्ट्रेटेजीज बनानी है। उस स्ट्रेटेजी से आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट है, आपके जो भी सप्लायर, जो आपके कॉम्पिटिटर है, उनसे भी ज्यादा अच्छे से आप अपना काम कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करने के लिए फोरकास्टिंग और एक्सपीरियंस पहले से करना पड़ेगा, और ये सब तरह का फोरकास्टिंग जो करोगे उसका फायदा आज नहीं बट आने वाले सालों के अंदर आपको मिलने वाला है, ओके। तो देख सकते हो इमेज, यहाँ पे सब तरह की चीज फोरकास्टिंग कर रही है, यहाँ पे सब तरह के लोग बैठकर कोई भी तरह की चीज का स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं, ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लान, दैट इज योर टैक्टिकल प्लान। नाउ स्टूडेंट्स, ये वर्ड भी आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टिकल प्लान। बॉस ने तो अपना जो टारगेट अचीव करना है वो तो बता दिया है, अब जब ये टारगेट आपका मिडिल लेवल पर आएगा तो मिडिल लेवल क्या करेगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो लोग खुद का अपना भी खुद ना कुछ प्लानिंग करेंगे। तो जो प्लान्स आप लोग का जो मिडिल लेवल बंदा कर रहा है, दैट प्लान इज नोन एज टैक्टिकल प्लान। जो स्ट्रेटेजिक आप लोगों ने प्लान डिसाइड किया, स्ट्रेटेजी को सही से कंप्लीट करना है, तो मिडिल लेवल जो तभी तरह की चीज को सोचता है, दैट इज नोन एज टैक्टिकल प्लान। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो आपके बॉस ने सेट की हुई है, शॉर्ट टर्म प्लान्स आर एस्टेब्लिश्ड एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोग के जो बॉस ने जो भी टारगेट अचीव किया है, किसको अचीव करना है, तो उस चीज के लिए जो भी तरह के शॉर्ट टर्म प्लान्स होंगी, जो कि एक साल के अंदर अंदर तक की होती है, जो कि कौन करता है, मिडिल लेवल, क्योंकि टॉप लेवल ने तो अपना टारगेट बता दिया है, अब मिडिल लेवल उसको अचीव करने के लिए अपने अपने स्ट्रेटेजीज डिसाइड करेगा। दैट प्लान्स विच आर मेड बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज टैक्टिकल प्लान्स। सही बात है। Have a span of life of one year or less, हमेशा एक साल से कम की उनकी लाइफ होती है, hence this clarify the short term objective। तो यहाँ से पता चल जाता है कि मिडिल लेवल कोई लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा है, हमेशा एक साल से कम वाले प्लानिंग के बारे में सोचता है, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में ही सोच रहा है। इट इज कंसर्न विथ वॉट द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एम्प्लॉइज मस्ट डू। तो टेक्टिकल प्लान सिर्फ यही चीज बताता है कि आपका जो डिपार्टमेंटल हेड है और आप लोग के एम्प्लॉइज है, उनको क्या करना चाहिए ताकि बिजनेस के अंदर बॉस ने जो टारगेट बोला वो टारगेट आपका अचीव हो जाए। तो ये टेक्टिकल प्लान ये सब चीज के बारे में बताता है। स्पेशलाइज्ड स्किल एंड द नॉलेज आर नेसेसरी फॉर इट्स फॉर्मुलेशन। तो आप लोग के जो टॉप बंदे ने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जो भी तरह की आप लोग प्लानिंग करोगे, जो भी तरह का आप लोग अपना स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, तो डिसाइड ऐसे ही नहीं होगा। स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, जबकि आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाएंगे, आप लोग के जनरल मैनेजर्स आ जाएंगे, सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, ये सब जन मिलकर कोई भी तरह की प्लानिंग डिसाइड करेंगे ताकि बॉस ने जो भी बोला है वो हम लोग सब जन सही से अचीव कर पाए। तो यहाँ पे स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए होगा, तो यहाँ पर टैक्टिकल प्लान तभी फॉर्मुलेट हो सकता है।
ओके अभी तक हम लोगों ने तीन तरह के प्लान की है आप लोग के स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान सेज दैट रिपीटेटिव सिचुएशन के अंदर कुछ भी हो जाए तो वही प्लान्स को हम लोग को यूज करना है, बार बार बॉस को पूछने की जरूरत नहीं है. सेकेंड जो हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक प्लान. स्ट्रेटेजिक प्लान मैंने कहा था बॉस ने जो भी टारगेट सेट किया है दैट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और उसको अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो भी आप स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं दैट आर नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान. और वहां पर आप लोग को बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है. फिर हमने ये थर्ड वाला पढ़ा है टेक्निकल प्लान. टेक्निकल प्लान कहता है कि बॉस ने जो भी टारगेट सेट किया उसको अचीव किसको करना है, नीचे वाले बॉटम लेवल को, और बॉटम लेवल से पहले मिडल लेवल उसको और सिंप्लीफाई में क्लेरिफाई कर सकता है कि इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो भी अपनी प्लानिंग करेंगे. तो वो जो प्लान कर रहे हैं दैट इज नोन एज टेक्निकल प्लान. ये जनरली 1 ईयर और उससे कम का होता है, और ये ज्यादातर डिपार्टमेंटल हेड और एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करता है. यहाँ पे भी स्पेशलाइज स्किल्स और नॉलेज यहाँ पे नेसेसरी है. तो आप देखिए यहाँ पर बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो सब जन मिलकर अपना ये प्लानिंग के बारे में डिसाइड कर रहे हैं दैट इज नोन एज टेक्निकल प्लान. ओके सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इट इज योर ऑपरेशनल प्लान. नाउ आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लान देख लिया किसने डिसाइड किया टॉप लेवल, आप लोगों ने टेक्निकल प्लान देख लिया किसने डिसाइड किया मिडिल लेवल. तो नाउ ऑपरेशनल प्लान कौन करेगा एकदम बॉटम लेवल. फोर्थ ऑपरेशनल प्लान. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल प्लान स्टूडेंट्स? These are the specific result expected plans made from the departments, work group and individuals. तो जैसे आप लोगों का मैंने कहा था कि बाकी सब्जन का जैसा प्लान सेट हो गया, ऑपरेशनल प्लान कौन सेट करता है आपका बॉटम लेवल, जो कि आपका स्पेसिफिक रिजल्ट जो कि आपने बॉस ने जैसा सोचा है मिडिल लेवल ने अपने हिसाब से प्लान को क्लैरिफाई किया है, तब उस चीज को और अच्छे से और क्लैरिफाई कौन करता है बॉटम लेवल, और वो कौन सा प्लान बनाता है दैट इज नोन एज ऑपरेशनल प्लान. इनका प्लान इसी हिसाब से होगा कि आपका जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अचीव हो जाए. यूजुअली दिस आर शॉर्ट ड्यूरेशन प्लान फॉर 1 ईयर. तो यहां से पता चल रहा है कि ये आपका प्लान ज्यादातर 1 साल के तक का ही होता है. तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ टेक्निकल प्लान ओनली. दिस इज मेड बाय द डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान. देखो मैंने यहाँ पर ये बता ही दिया है कि स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और उसको सिंप्लीफाई वे के अंदर और अच्छे से सिंप्लीफाई करना है वर्कर्स की लैंग्वेज में, तो हम लोग किस प्लान में डिसाइड करते हैं ऑपरेशनल प्लान. तो ऑपरेशनल प्लान किसके ऊपर से डिसाइड होता है, एक बार जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान बन गया तो उसके ऊपर से आपका डिपार्टमेंटल हेड्स ये ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, ताकि बॉस ने जो बोला है हमको वो अचीव करना है उसको सिंप्लीफाई वे में सब लोग को बताने के हिसाब से हम लोग ऑपरेशनल प्लान बना देते हैं. तो क्या लिखा हुआ है, प्लान्स आर मेड फॉर रूटीन वर्क. जैसा हमारा स्टैंडिंग प्लान था वो रिपीटेटिव वर्क के लिए होता है, ऑपरेशनल प्लान के अंदर भी रिपीटेटिव होता है, बट वो स्टैंडिंग प्लान्स आप लोगों के हर समय अलग अलग लोगों से डील करने के लिए, और दैट में भी फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस. बट यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान जनरली 1 साल तक का ही होता है, तो यहाँ पे रूटीन वर्क और इम्प्लीमेंटेशन ईजी हो जाए, ताकि एक बार जो कुछ भी वर्क हम लोग डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए रूटीन वर्क होता है. एंड यस ये वाले प्लान आपके जब भी बनते हैं ऑपरेशनल प्लान तो एम्प्लॉयज के डिसीजन के हिसाब से बनते हैं. स्टैंडिंग प्लान के अंदर क्या था, स्टैंडिंग प्लान आप लोग का टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं. बट यहाँ पर ऑपरेशनल प्लान जब भी डिसाइड होता है दैट इज फॉर द रूटीन वर्क, एम्प्लॉयज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं कौन कितने टाइम में कितना वर्क कर देगा, सब तरह की चीज डिसाइड होती है, उसके बाद में ही ऑपरेशनल प्लान बनता है. ओके एंड द लास्ट वन लास्ट लाइन यही बोल रही है, ऑपरेशनल प्लान आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द टेक्निकल प्लान. क्यों सिमिलर है, बिकॉज टेक्निकल प्लान्स आप लोग के मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, और ऑपरेशनल प्लान किसका है बॉटम लेवल मैनेजमेंट. दोनों चीजों के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजिक प्लान डिसाइड किया था उसको और सिंप्लीफाई वे के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बोला ऑपरेशनल प्लान आपके टेक्निकल प्लान के जैसा ही है. तो हमने अभी तक के 4 आप लोग के प्लान देख लिए हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के अंदर या आपके नीचे बॉटम लेवल बंदे जो भी है ना, वो सब जन अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मैं कितने टाइम में कितने मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, मैं जनवरी फरवरी मार्च लूंगा, वो कहता है मैं अप्रैल में कंप्लीट कर दूंगा. तो जैसे भी डिसाइड किया जाता है दैट इज नोन एज ऑपरेशनल प्लान. ओके सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लान व्हिच इज देयर ऑन द स्क्रीन, सिंगल यूज प्लान. एज अ वर्ड इस नाम से पता चलता है सिंगल यूज मतलब सिर्फ एक ही बार यूज करना है. तो ज्यादातर कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो स्पेशलाइज्ड वर्क की हो, जैसे वो स्पेशलाइज्ड वर्क खत्म उस प्लान का हम लोग को कोई काम ही नहीं है, उस प्लान को फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है ड्रॉप करना पड़ता है.
तो जो सिर्फ एक ही बार यूज में आ सकता है उन सब प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लांट। तो देखते हैं कंटेंट क्या है। दिस प्लांट्स आर मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटी फॉर अचीविंग द स्पेशल ऑब्जेक्टिव। ज्यादातर कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उन लोगों के लिए जो प्लांट बनाया जाता है दैट प्लांट इज नोन एज स्पेशल प्लांट्स। इट्स वन टाइम प्लांट प्रिपेयर्ड फॉर एक्टिविटीज विच डू नॉट रिक्वायर। सो इट्स अ वन टाइम प्लांट। तो मैंने आपको ये कहा है कि ऐसे प्लांट है जो एक ही बार बनाए जाते हैं कोई स्पेशल एक्टिविटीज के लिए, उसके बाद में बनाने की उसको जरूरत नहीं है। जैसे कि सिद्धा साहब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जब शादी का टाइम होता है और कोई लोग एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरह के आप लोग के मंच बनते हैं, अलग अलग तरह की आपकी डेकोरेशन होती है, अलग अलग तरह से आप लोग का एज एन इन्विटेशन अलग अलग तरह के फॉर्म के अंदर होती है, कोई डिज्नीलैंड बनाता है, कोई कुछ भी बनाता है। जैसे आपकी शादी जिसकी भी थी उसकी ओवर, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बंद करना पड़ता है क्योंकि ये आप लोग एक स्पेशल एक्टिविटीज के लिए प्लान बनाया था और वो जैसे स्पेशल एक्टिविटी खत्म इस प्लान का फिर कुछ काम नहीं, तो उसको हटाना पड़ता है। सेम कैसे यहाँ पर है कि सिंगल यूज प्लांट्स को स्पेशल को एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए, जैसे लॉकडाउन पीरियड है तो लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम लोग को अपना टारगेट कैसे इंक्रीज करना है उसके लिए प्लान बनाया। जैसे लॉकडाउन हट गया, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन आ गई, तब उस प्लान का कुछ काम ही नहीं है तो प्लान को फिर बंद कर देना पड़ेगा। तो इट इज कॉल्ड स्पेशल एक्टिविटीज होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए शिप मेकिंग, अगर कोई ऑर्डर आ जाए कि ये शिप आपको ऐसी बनानी है तो आप उसके हिसाब से कुछ प्लान करोगे और वापस आपको पता है वैसा कुछ शिप बनाने का आता ही नहीं है तो आप उस प्लान को फिर वहां पर ड्रॉप कर दोगे एक बार जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी शिप। कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, होम बनाने के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर है, एक बार जैसा स्ट्रक्चर सेट हो गया उसके लिए प्लान कर दिया कर दिया, जैसे एक बार पूरी की पूरी बिल्डिंग या घर सब कुछ बन गया फिर वो प्लान फिर यूज नहीं होगा क्योंकि वैसा कोई जरूरी थोड़ी ना वैसा ही घर कोई और फिर से बनाएगा। तो दिस प्लान इज इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये जो एक जगह पर जहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं उस जगह पर वापस वो यूज नहीं लेगा, यहाँ पे भी क्या है एक तरह से सिंगल यूज, इस चीज को एक ही बार सिंगल यूज में ले रहा है। यहाँ पे इमेज में देखिए जो कंस्ट्रक्शन है वो एक टाइम बन गया तो बन गया, दूसरी बार वैसा कुछ नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पर ये जो कुछ भी तरह की चीज हो रही है सब तरह की चीजों का मेन रीजन ये है सिंगल यूज प्लान, एक बार यूज कर लिया दूसरी बार उस चीजों को यूज नहीं करना है। एंड द लास्ट प्लान फॉर दिस इज अ कंटिंजेंसी प्लान। सो व्हाट यू मीन द कंटिंजेंसी, वर्ड ही बता रहा है कंटिंजेंसी मतलब आगे फ्यूचर में अगर सिचुएशन में कुछ चेंजेस आ जाए तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना है तो हम लोग को कौन सा प्लान की जरूरत होगी, कंटिंजेंसी प्लान। तो देखते हैं कंटेंट क्या बोलता है। कंटेंट कहता है बिजनेस हैज टू कोऑर्डिनेट विद द चेंजिंग सिचुएशन ड्यू टू द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स। कोई भी तरह की सिचुएशन के कारण आप लोग के बिजनेस में चेंजेस आ सकते हैं तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि अगर इस तरह के चेंजेस आता है तो आपको इन सब तरह के चेंजेस के अंदर अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है, अपने आप को सुटेबल बनाना है। ड्यू टू दिस इफ चेंजेस मेड इन ओरिजिनल प्लान्स और द न्यू प्लान्स आर मेड इट इज नोन एज कंटिंजेंसी प्लान। तो आप लोगों ने अगर कोई भी जो ओरिजिनली जो प्लान डिसाइड किया हुआ है तो उसके अंदर कुछ चेंज करना है या नया का नया ही प्लान आप लोगों को सेटअप करना है तो इस तरह के प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी प्लान। तो ये कंटिंजेंसी प्लान आप लोग के सिचुएशन के ऊपर से डिपेंडेंट होता है। तो देखिए इमेज के अंदर यहाँ पर तो जैसे कुछ सिचुएशन चेंज आई आप लोग का बॉस डायरेक्टली खड़ा हो गया इस इमेज के अंदर और वहां से देखिए जेंटलमैन इट्स टाइम फॉर प्लान सी। तो आप लोगों ने पहले से जो अल्टरनेटिव डिसाइड किए हुए हैं जैसे एक प्लान वर्क नहीं करोगे तो दूसरा प्लान अप्लाई कर दोगे तो दूसरे प्लान को हम लोग कंटिंजेंसी प्लान भी बोल सकते हैं और सब्सिडरी प्लान भी बोल सकते हैं। तो जैसा भी है उस तरह के फॉर्म के अंदर इसको डिसाइड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन आई थिंक सो आप लोगों को ये सब तरह की चीज समझ में आ गई है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी फॉर दैट। ओके टिल देन स्टूडेंट्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, आप इस चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है और आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से कमेंट भी जरूर कीजिए।